माताएं बहने मुझे आशीर्वाद जरूर देना। आज आप इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। हमारे यहां कैसा है, घर है तो किसके नाम पर, पति के नाम पर, दुकान किसके नाम पर, पति के नाम पर, गाड़ी लाए तो किसके नाम पर, पति के नाम पर या बेटे के नाम पर, खेत है तो किसके नाम पर, पति के नाम पर, पति नहीं रहा तो किसके नाम पर, बेटे के नाम पर, मां को क्या, महिला को क्या, उसके नाम कुछ नहीं। ये बेटा ये दर्द समझता है और इसलिए बेटा ने तय किया, माताएं बहने, जो मैं अब घर देता हूं ना, महिलाओं के नाम देता हूं ताकि वो घर की मालकिन बने। और एक एक घर लाखों रुपए का बन रहा है, तो एक प्रकार से मेरी माताएं बहने आज लखपति बन गई, तो उसके इस बेटे को कितना आनंद होता होगा, कितना मन को समाधान होता होगा। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है वो कहने के लिए नहीं कहती है, हम कहते भी हैं करके करने के लिए, और करके ही दिखाते हैं और जाकर के हिसाब भी देते हैं। भाइयों बहनों, ये जो इतनी जन समुदाय है ना, जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, टीवी के अंदर आकर के डिबेट करते हैं, जरा देख लीजिए, ये जनता जनार्दन सिर्फ सभा नहीं है, ये बहुत बड़ी गारंटी है। ये लोग गारंटी दे रहे हैं, भाजपा सरकार बनाने की गारंटी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी की गारंटी है कि हर बहन के घर पाइप से पानी पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में करीब 70 लाख परिवारों के घरों में अब पाइप से पहुंचने लगा है पानी। यहां खंडवा में भी 1.25 लाख से ज्यादा घरों को जल जीवन मिशन का लाभ मिला है। एमपी की भाजपा सरकार लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं से बहनों को सशक्त कर रही है, और हम आपके मामा तो उसी में लगे हुए हैं बराबर। मेरे परिवारजनों, जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, भाजपा सरकार उनकी सूद ले रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के हमारे भाई बहन रहते हैं। ऐसी पिछड़ी जनजातियों के लिए पहले की सरकारों को कोई परवाह ही नहीं थी, लेकिन ये मोदी हैं, कहीं पर भी बैठा हो, हिंदुस्तान के किसी कोने के दर्द का पता चले ना, तो दवाई ढूंढ करके आ जाता है। और भाजपा सरकार ने विशेष मिशन की घोषणा की है, इन जनजातियों के विकास पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने इतने दशकों तक देश में शासन किया, कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों की सबसे अधिक उपेक्षा की। जब कभी सुविधाओं की बात आती थी तो कांग्रेस कहती थी कि आदिवासी गांवों को सबसे अंत में रखा जाए। कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल तक के लिए तरसाया। आप हैरान होंगे कैसे चलाते थे। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक बार आदिवासी क्षेत्र में प्रवास चल रहा था, तो लोगों ने मुझे कहा कि ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आदिवासी, अमर सिंह चौधरी, बोले ये उनका गांव है। मैंने कहा अच्छा, ये उनका गांव है। फिर मैंने कहा क्या है विशेषता, बोले साहब ये टंकी है ना, टंकी पानी की, अमर सिंह भाई थे तो टंकी तो बनी, लेकिन अभी तक एक बार भी भरी नहीं है, परवाह ही नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री बना तो उस टंकी को पानी से भरने का काम मैंने किया था। भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्रों में 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस ने आजादी के बाद सिर्फ एक परिवार का ही गुणगान किया,
कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी उचित स्थान नहीं दिया, अब कांग्रेस की गलतियां भी भाजपा ही सुधार रही है। जनजातीय नायक टंटिया मामा हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, उनको उचित सम्मान भाजपा सरकार ने दिया। कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा, ये भी भाजपा सरकार की पहल है। आज पूरे देश में आदिवासी योगदान को स्थापित करने वाले अनेक स्मारक बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाखों साथियों को पेशा का लाभ भी मिला है, लगभग 3 लाख परिवारों को वन अधिकार का पट्टा मिला है। ये दिखाता है कि भाजपा आदिवासी सशक्तिकरण के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार ने बीते दशकों में किसानों को जो सुविधाएं यहां दी है, इससे आज एमपी गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है। बीते 9 वर्षों में गेहूं और धान की खरीद में भाजपा सरकार ने कई गुना वृद्धि की है। दलहन और तिलहन किसानों के लिए तो बीते 9 वर्षों में बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। अब केंद्र सरकार देश में बड़ी संख्या में भंडारण की सुविधाएं विकसित कर रही है। आने वाले समय में आपका ज्वार और मक्का भी कमाई का बहुत बड़ा साधन बनेगा। भाजपा सरकार श्री अन्न के लेकर के पूरी दुनिया के बाजारों में पहुंचाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। साथियों, जिस तरह आज पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है, उसके कारण दुनिया भर के लोग भारत को देखने के लिए आना चाहते हैं। और टूरिज्म के मामले में तो हमारा एमपी अजब भी है, गजब भी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।